नमस्ते, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम राजेश बादल साहब के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। राजेश भाई, एक एक आज हम लोग इस पे चर्चा थोड़ा करना चाहेंगे कि गांधी को तो टारगेट था भाई, गांधी वॉज टारगेटेड आरएसएस, हम सबको पता है आरएसएस टारगेट करती थी। गांधी की विचारधारा से वो जिस दिन से आरएसएस बनी उसी दिन से गांधी की विचारधारा के विरोध में उसको कैसे कम किया जाए, उसकी उसका पैनापन कैसे कम किया जाए, आजादी से पहले आजादी के बाद, वो तो समझ में आता है। लेकिन नेहरू की बात को जनरली, ये पिछले 10 साल का सिलसिला है जब से मोदी जी आए हैं, उसके पहले इतना ज्यादा मैंने कभी नहीं सुना। नेहरू जी के ऊपर कभी हमला होता था तो सोशलिस्ट करते थे, और सोशलिस्टों का एक बड़ा कारण ये था कि नेहरू उन्हीं के बीच से निकले हुए थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का के हिस्सा थे और फिर वहां से निकले थे। तो जैसे होता है कि अपना कोई उधर हो तो डॉक्टर लोहिया हो चाहे बात के समाजवादी हो, उनको एक नेहरू के उससे एक होता था कि भाई अगर उनके हिसाब से देश चलता तो कहीं और जाता। इधर ये देखा गया है कि जब से मोदी जी आए हैं वो कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ते हैं जब वो नेहरू को गाली देने से ना रुकते। और मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ गाली। देखिए, एक चीज होती है पॉलिसी विचारधारा की, भाई उनकी विचारधारा ये थी। एक होता है कि जानबूझ के झूठ फैलाना, अफवाह फैलाना, और प्रधानमंत्री के स्तर से अगर ये बात हो, कल मोदी जी ने पार्लियामेंट में बताया कि नेहरू जो थे वो आरक्षण विरोधी थे। अब नेहरू जी के सारे, मतलब मेरे पास वो सारे वो हैं दस्तावेज हैं जो नेहरू जी ने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किस तरह से इस बात को रखा, किस तरह से उन्होंने इसपे बहुत, मतलब इसमें बहुत कुछ कहा है नेहरू ने, और मतलब वो सारे दस्तावेज मौजूद हैं, उसका सेलेक्टिव पढ़ते हैं मोदी जी। अब मोदी जी के लेवल पे देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में सेलेक्टिव पढ़े पूरे, मैं थोड़ा एक पहले इससे शुरू करना चाहता हूँ कि नेहरू जी को छोटा कर देने से क्या मोदी जी बड़े हो जा रहे हैं। धन्यवाद आनंद जी। देखिए, ये वास्तव में बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है आज देश के सामने कि जब हम एक तरफ उस लोकतंत्र को नहीं मानने के कारण पाकिस्तान की दुर्दशा देख रहे हैं जहां आज चुनाव हुए हैं, तो दूसरी ओर हम अपने देश में लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत जिन्होंने किया है और जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान एक है, हम उसको गरियाने का काम कर रहे हैं। आपने अभी जिन दो महापुरुषों का नाम लिया, एक महात्मा गांधी, दूसरे जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी से इनका वैचारिक आधार पर विरोध है और जवाहरलाल नेहरू से इनका सियासी विरोध है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को सियासत के आधार पर उनका ना तो ये कद बोना कर सकते हैं, ना छोटा कर सकते हैं, ना उनको नीचे गिरा सकते हैं, और ना ही उनके इतिहास में जो दर्ज पन्ने हैं उनको आप अलग कर सकते हैं। जैसे आपने आरक्षण का एक उदाहरण दिया, मैं आपको एक शुरुआत से एक कहानी नहीं बल्कि तथ्य है। जब संविधान सभा में बातचीत चल रही थी और अंतिम चरण में बातचीत थी, तो ये एक चर्चा आई आनंद जी के, देखिए राज्यों में तो हमने राज्यपाल बना दिया, और राज्यपाल बना दिया तो अगर जब कभी सरकार जाएगी या कोई सरकार ढंग से काम नहीं करेगी तो हम राज्यपाल का शासन लगाएंगे, और चूंकि राज्यपाल संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है इसलिए वो राष्ट्रपति शासन लगाया हुआ माना जाएगा, राज्यपाल का फिर भी नहीं माना जाएगा। अब ये बात आई कि जिस तरह से राज्यों में आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, अगर कभी केंद्र में ऐसी नौबत आई कि कोई सरकार बहुमत की नहीं है या कोई कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि सरकार नहीं काम कर पा रही है, तो राष्ट्रपति शासन केंद्र में क्यों नहीं लगाते आप? तो इसमें डिबेट हुई काफी, कुछ लोग पक्ष में थे कुछ लोग उसके खिलाफ थे। नेहरू जी ने देखिए क्या लाजवाब तर्क दिया और उनको खामोश कर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, राज्यपाल अगर कल के रोज लोकतंत्र के खिलाफ हो जाए, वो निरंकुश हो जाए, वो अधिनायक हो जाए, वो तानाशाह हो जाए, तो उसके ऊपर केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, तो उसकी जो निरंकुशता है उस पर को तो काबू हम लगा सकते, लेकिन खुदा ना खास्ता कल के रोज अगर राष्ट्रपति निरंकुश हो गया राष्ट्रपति शासन में
तो राष्ट्रपति के ऊपर कौन बैठा हो, ये उस बहस में आया। और इस तर्क के आगे सारे के सारे लोग निरुत्तर हो गए। इसका अर्थ ये है कि वो लोकतंत्र में कितनी, लोकतंत्र की कितनी चिंता करते थे। और दूसरी बात, अभी आपने जिस मौजूदा सरकार का हवाला दिया है उसमें असहमति के सुर हैं कहां? नहीं है। लेकिन नेहरू असहमति के सुरों को कितना स्थान देते थे, आपको याद होगा कि उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में एक लेख लिखा था और उसमें जवाहरलाल नेहरू के नाम से नहीं लिखा था, उन्होंने एक निक नेम से लिखा था, छद्म नाम से लिखा था, और जिसमें दह दनादन नेहरू की बुराइयां, दह दना अपनी बुराइयां, और उस पर फिर एक लंबी बहस चली। नेहरू ने बाद में स्पष्ट किया कि मैं चाहता था कि मेरे जो नकारात्मक पक्ष मेरी नजर में हो सकते हैं उन पर भी मेरे आलोचक नजर डालें। इससे बड़ा लोकतंत्र ही कोई हो सकता है? एक और उदाहरण, जब अंग्रेज गए तो जाहिर सी बात है कि नेहरू से बड़ा कर्तृत्व किसी का था नहीं सियासत में। खुद सरदार पटेल ये कहते थे कि मेरे पास समय कम है, सरदार पटेल बीमार रहते थे। आज लोग, कई लोग इस बात की वो करते हैं, आलोचना करते हैं कि सरदार पटेल को क्यों प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया, लेकिन सरदार पटेल जानते थे कि उनके पास समय कम है और इस देश को गढ़ने के लिए, नए ढंग से रचने के लिए एक ऐसा शिल्पी चाहिए जो लंबे समय तक काम कर सके, और वो नेहरू हो सकते थे। तो सरदार पटेल ने इसलिए उत्तराधिकार उनको बनाया, और ये बातचीत स्पष्ट हुई है पत्राचार में, कोई मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूं, गांधी और पटेल के बीच में जो बातचीत हुई है। हाँ, पटेल से उनकी कुछ मामलों पे बुनियादी असहमतियां थी। तो साहब पहली सरकार बन गई नेहरू जी, लेकिन लोग मानते हैं कि जो 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो उसमें वो 1947 से 1952 तक की सरकार खोज लेते हैं, कहते हैं कि उसको भी शामिल कर लेते हैं। वो तो सरकार कांग्रेस की थी ही नहीं। आप देखिए 12 लोगों का मंत्रिमंडल था, अगर मुझे ठीक याद है तो 12 या 13 लोग रहे, 12 लोग थे, और 12 लोगों में से उस मंत्रिमंडल में आधा मंत्रिमंडल नेहरू के खिलाफ था। उसमें आम्बेडकर थे, उसमें और भी एक सरदार जी, मैं वही नाम भूल रहा हूँ जो रक्षा नहीं, नहीं, नहीं। राजेश भाई मेरे हाँ। पास वो लिस्ट है, उसमें मुस्लिम लीग थी मुख्य रूप से, मतलब हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि असहमत, लेकिन जो बुनियादी तौर पर नेहरू से असहमत थे ऐसे 5 और 6 लोग थे। तो वो तो राष्ट्रीय सरकार थी, और उन्होंने खुद भी कहा था कि जब तक इस देश में चुनाव आयोग नहीं बनेगा, जब तक इस देश का संविधान पारित नहीं होगा, तब तक, जब तक कि कोई संविधान लागू नहीं होगा, तब तक मैं कोई बहुत निर्वाचित प्रधानमंत्री भारत का नहीं बनता, तब तक मैं अपने आप को पूर्णकालिक प्रधानमंत्री नहीं मानूंगा। ये नेहरू ने कहा है, मेरे पास दस्तावेज है उसके। तो जो आदमी अपने असहमति के इन सुरों को स्थान देकर भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है, आप सोचिए कि उसके मन में क्या था। एक और बात उदाहरण में देता हूं, फिर आपके अगले सवाल पे आता हूं। एक, जब चुनाव आयोग बन गया और 1952 में चुनाव हो गए, 1951 में ये चुनाव आयोग अधिनियम कानून पास हो गया, 1952 में 6-7 महीने में चुनाव बन हो गए, उनकी सरकार बन गई। मैं बहुत कट शॉर्ट कर रहा हूं। एक चुनाव में 52 से 56 के बीच में वो एक चुनाव के प्रचार में अपनी पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचे। रीवा में कांग्रेस की सभा थी, तो विंध्य प्रदेश की। अब सभा में नेहरू जी को ये मालूम पड़ा कि इस जो जिस उम्मीदवार की वो प्रचार के लिए आए हैं वो तो रिश्वत के आरोप में जेल जा चुका है। तो किसी ने सभा में, चलती सभा में पर्ची भेज दी कि साहब आप तो वोट मांग रहे हैं, लेकिन आप तो ऐसे उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं जो रिश्वत के आरोप में जेल की हवा खा के आया है। नेहरू जी ने माइक से उद्घोषणा की कि बहनों और भाइयों, मैं आया अवश्य था अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए, लेकिन मुझे ये मालूम पड़ा है कि ऐसी ऐसी आरोप, ऐसी ऐसी शिकायत है, तो अब मैं कहता हूं कि मेरे पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दें। देखिए, ऐसे ऐसे नेहरू जी के प्रसंग अगर हम रात भर चर्चा करेंगे तो जो उनके लोकतांत्रिक आधार को मजबूती देते हैं और जो इस देश की बुनियाद को मजबूत करने वाले उनके कदम हैं वो हम कर सकते हैं। लेकिन आज हम जब उलट देखते हैं इसके,
तब ये लगता है कि कैसे आरक्षण के लिए नेहरू जी ने खुद कहा था कि ये कुछ समय के लिए है, जब ये देश कुछ एक निर्धारित समय के बाद वो जो है उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। और ठीक वैसे ही उन्होंने कहा था जैसे कश्मीर में, ये बार बार श्रेय लेते हैं अनुच्छेद 370 का, उन्होंने कहा था कि इस देश को लंबे समय तक अनुच्छेद 370 की आवश्यकता नहीं है, ये जब तक है तब तक है, ये डॉक्यूमेंट है, हिंदुस्तान टाइम्स में छपा उनका लेख है, और धीरे धीरे हम इसको समाप्त कर देंगे। तो धीरे धीरे जाकर के उन्होंने समाप्त कर दिया, तो उसमें मोदी जी को श्रेय लेने की क्या जरूरत है, ये तो नेहरू जी कह गए। मेरी किताब में इसका जिक्र है, मेरी एक किताब है जिसमें मैंने बाकायदा इसको उल्लेख किया है इसका। तो आरक्षण की बात होगी, अब जो बात ये हो रही है कि अब जो मौजूदा दौर है, अब हमने देखा है कि जब ये 2014 में आए थे तब तो नेहरू को दिन रात पानी पी पी कर कोसते थे, लेकिन बीच में एक समय, एक कालखंड ऐसा आया जब ये देश के बाहर गए, विदेशों में गए, वहां गांधी और नेहरू के देश के नाम से इस भारत की पहचान उन्होंने जानी, तो उन्होंने कुछ अवसरों पर तारीफ भी की थी। अब चूंकि चुनाव आ रहे हैं तो सारा मामला सियासी है, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि सियासी मामला है, इसलिए वो नेहरू को किसी भी हद तक जाकर गालियां देंगे। आप देखिए 2002 में प्रमोद महाजन जब जिंदा होते थे तो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से सोनिया गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, मैं तो बोल भी नहीं सकता उन शब्दों को। 1977 में जब जनता पार्टी आ गई थी तो उस चुनाव प्रचार में किस तरह से, भारतीय जनता पार्टी की तो नहीं थी, जनसंघ के लोग तो उसमें शामिल थे, तो उन लोगों ने किस तरह से गंदी जबान इंदिरा जी के लिए इस्तेमाल की थी। ठीक है, आपातकाल के विरोध में हम भी कभी खड़े हुए थे सेंसरशिप के विरोध में, और हम तब पत्रकार थे, लेकिन आप एक बिलो द बेल्ट अटैक जिसको कहते, चरित्र हनन तो आप नहीं कर सकते। तो ये बात मैं कहना चाहता हूं कि ये देश अब समझता है, और ये देश 35-36 करोड़ नौजवानों का देश है, नौजवान जानते हैं इस देश के, पढ़े लिखे हैं कि कौन सच है और कौन झूठ। जी जी, मैं थोड़ा और स्पष्ट इसको कर दूं राजेश भाई, क्योंकि इन्होंने कहा कि नेहरू, ये जब आरक्षण हो गया उसकी बहुत सी तकरीर है, मतलब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में मूव किया, जो जो बेसिस था एक तरह से प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक बात थी कि इसमें क्या क्या रहेगा, उसमें आरक्षण की बात थी। और दूसरी बात यह कि जब ये शुरू में 10 साल के लिए था और नेहरू ने फिर इसको 61 में जब फिर से आगे बढ़ाने की बात थी, तो नेहरू थे, तब तक सरदार पटेल 50 में जा चुके थे, 56 में डॉक्टर अम्बेडकर जा चुके थे, ये सब लोग जा चुके थे। और 61 में एक वर्ग ऐसा था मतलब देश में जो आरक्षण समाप्त करना चाहता था। नेहरू ने न सिर्फ आरक्षण को कायम रखा बल्कि उन्होंने वो पत्र, ये कोट अनकोट है, वंचित समुदाय की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उन्हें अच्छी शिक्षा का अवसर प्रदान किए जाएं, इसमें तकनीकी शिक्षा भी शामिल है, जो दिन पर दिन, मतलब वो बिल्कुल साफ साफ ये कह रहे हैं कि इसको उन्होंने जब बढ़ाने का काम किया। तो एक तो ये चीजें क्यों झूठ बोलते हैं, वो मुझे आज भी समझ में नहीं आता है कि मोदी जी को ये झूठ बोल के, देश के सर्वोच्च पद में बैठा हुआ एक इलेक्टेड आदमी झूठ बोले, ये ठीक नहीं है। दूसरा वो ये कहते हैं, उन्होंने कल ही कहा कि नेहरू ने अंबेडकर का जो पूरा था उसको डिस्ट्रॉय किया। अब या तो मोदी जी इतिहास जानबूझ के पढ़ते नहीं है, या पढ़ाया नहीं जाता है, या मतलब उनको मालूम ही नहीं है। अब देखिए जी जी, बताएं राजेश भाई, ये अंबेडकर जी को संविधान सभा में जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वो किसके कहने पर सौंपी गई थी? वो नेहरू जी के कहने पर सौंपी गई थी। नेहरू जी तो खुद ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे। अगर आप जो कमेटियां जो बनी थी उनको देखें तो भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर का जो स्थान था वो उनका स्थान नेहरू से ऊपर था, और वो नेहरू जी के कारण था। और एक उदाहरण देखते हैं कि अगर मान लीजिए नेहरू भीमराव अम्बेडकर से इतना चिढ़ते थे, तो जब 1952 में जो इलेक्शन हुए थे उस समय भीमराव अम्बेडकर कोंकण में किसी दूध वाले से हार गए थे। आपको, आप देख लीजिए इतिहास में, दूध का कारोबार करने वाला था कोई दूधिया, उससे चुनाव हार गए। अब नेहरू जी को ये लगा कि यार ऐसे विद्वान आदमी का संसद में होना बहुत आवश्यक है, तब वो डॉक्टर अंबेडकर को
चुनवा करके लाए, और उसमें मतलब ये नहीं कहता कि कांग्रेस का कैंडिडेट बना दिया था, लेकिन जो कांग्रेस के नेता के रूप में वो हेल्प कर सकते थे कि डॉक्टर अंबेडकर जीत कर आए सदन में, क्वालिटी ऑफ डिबेट्स हों, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो फिर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को उसका उसका भागीदार, इस भारत के जवान हो रहे लोकतंत्र का भागीदार बनाया। आपने आरक्षण के बात में अभी एक जो उनका कोट किया है उसमें शिक्षा की बात कही है। मैं एक उदाहरण देता हूं, जब देश आजाद हुआ तब भारत में भारत की जो साक्षरता का प्रतिशत था 18% था, और महिलाओं की जो साक्षरता थी वो 9% थी। तो अगर 18% साक्षरता थी तो आप सोचिए कि क्या आप जो बाकी बचा करीब करीब कितना 82% जो मुल्क था वो निरक्षर था। अगर आप आरक्षण नहीं देते उस वक्त, उसको नहीं बढ़ाते 61 में कितना हो गया था, 24% या 25% था आरक्षण, आप देख लीजिए आंकड़ा। तो जब वो नहीं, अवसर ही नहीं थे, तो आप आरक्षण समाप्त करके क्या करते? अवसर जब तक आपको नहीं मिलते तो आप आगे भी नहीं बढ़ते, और यही वजह थी कि नेहरू जी ने उस वक्त बढ़ाया था। ये एक बड़ा कारण था जो 61 का जो की जो बात ये लोग करते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ अब अतीत के प्रामाणिकता को खंगालने का कोई सिस्टम नहीं है, और हमारे देश के लोग, ज्यादातर लोग आजकल व्हाट्सएप पे आए कहानियों को, किस्सों को बिल्कुल स्थायी दस्तावेज मान लेते हैं, जैसे वो कोई रामचरितमानस की चौपाई हो। तो ऐसे में उनका नुकसान होता है, सही तथ्यों का उनको पता ही नहीं चलता है। आप क्या कहेंगे? जी, मैं एक और चीज, मतलब दर्शकों को ये पता रहना जरूरी है कि अंबेडकर साहब जब, मतलब ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, ये सब दस्तावेज हैं। जब देश में हुआ कि संविधान सभा का इलेक्शन होगा और बनेगी, तो वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से था हर एक स्टेट का, और वो महाराष्ट्र से आते थे, वो महाराष्ट्र में इलेक्शन हार गए थे, वो संविधान सभा के सदस्य नहीं बन पाए। फिर जोगेंद्रनाथ मंडल उनको ले गए बंगाल, मंडल लेके जी बिल्कुल जी, और जसौर सीट से जिता के उनको फिर कंस्टिट्यूएंट असेंबली में आए, संविधान सभा में जी। वो उन्होंने अटेंड किया, लेकिन 3 जून 1947 में जब ये डिसाइड हो गया कि अब ये दो राष्ट्र बनेंगे, तो ये भी तय हो गया कि जो पाकिस्तान का तरफ जाने की बात है वो दो संविधान सभाएं हो गई, और अंबेडकर साहब पाकिस्तानी संविधान सभा के सदस्य हो गए, हिंदुस्तान से अलग हो गए। तब उन्होंने आके फिर उनको लगा कि भाई ये क्या, मैं वहां पाकिस्तान में मैं क्या करूंगा। जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान संविधान सभा में गए, उसके चेयरमैन हुए, बाद में पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर हुए। अंबेडकर फिर दिल्ली आए, गांधी से मिले, वाइसरॉय से मिले, और गांधी ने नेहरू नेहरू को इन सबको बुला के कहा कि भाई इनके बिना कैसे होगा, इनको तो तुम्हें अकोमोडेट करना है, और ये दस्तावेज है जो पूना यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर थे खेर साहब, उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे वो थे, उन्होंने एमआर जयकर से रिजाइन इस्तीफा दिलवाया कांग्रेस के, और उनकी जगह नॉमिनेट करके इनको कंस्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा, और फिर नेहरू ने इनको ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया। ये बात समझना इसलिए जरूरी है कि आज जैसे छोटे लोग नहीं थे कि जो पार्लियामेंट के अंदर खड़े हो गया कि अब की बार 400 सीट, अब की बार 400 सीट, वो पार्लियामेंट है कि बीजेपी का वो है। मैं एक चीज आखिरी करके इसको थोड़ा एक दूसरी बात पे आऊंगा। नेहरू ने कभी, अब ये मोदी जी कहते हैं कि नेहरू हरदम कहते थे कि भारतीय आलसी और कमकल थे, अगर नेहरू जी भारतीय आलसी और कमकल कहते तो नेहरू जी जो नॉन अलाइन मूवमेंट था जिसमें उन्होंने कहा था ना मैं अमेरिका के साथ ना मैं रूस के साथ, मेरी अपनी ताकत, मैं इस पे थोड़ा कहना चाहूंगा, नेहरू जितने इंडियन थे और हिंदुस्तान के प्रति जो उनका स्वाभिमान था वो इन लोग के पास आसपास नहीं है। अब की बार ट्रंप सरकार, मेरा दोस्त फलाना, मैं जरा इस पे भी आपसे बात एक टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, मैं शुरुआत करता हूं जहां से आपने इस प्रश्न की आपका आगाज किया था, संविधान को लेकर के कितने भ्रम फैलाए गए। आपने संविधान सभा का एक तथ्य तो सामने रख दिया, किस तरह से मंडल उनको लेके गए और वहां पे पाकिस्तान की संविधान सभा में सदस्य बनवाया, और जब वहां देखा उन्होंने कि जिन्ना की मौत के बाद संविधान सभा तो फ्यूज हो गई है, एक तरह से वो काम ही नहीं कर रही है। कई साल तक संविधान हमारे यहाँ तो 1950 में बन गया था, लेकिन वहां तो 57 तक, 56 या 57 तक संविधान नहीं बन पाया था। तो
ये बात हो गई। हमारे यहाँ एक और बात कही जाती है कि ये संविधान जो है ये तो अंग्रेज दे गए थे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे ये संविधान तो परदेसी है, ये अंग्रेजों ने बनवाया था संविधान। आपने ही देखिए बताया कि अभी मंडल साहब को निर्वाचन, संविधान सभा का एक एक सदस्य निर्वाचित था और आबादी के अनुपात से निर्वाचित था। तो चूंकि मेरे खुद दादा संविधान सभा के सदस्य थे जो, इसलिए मैं मुझे पता है उसकी कहानी। तो जो निर्वाचित संविधान सभा थी और जब संविधान बन गया तो दूसरी अफवाह फैलाई गई है कि अंग्रेजों ने बनाया गया है और मूल संविधान अंग्रेजी में लिखा गया। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं आनंद जी कि मूल संविधान हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था। मेरे पास उसकी प्रति है और उसमें कहते हैं कि ये उसमें भारतीय संस्कृति और हमारे हिंदू देवी देवताओं का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। नेहरू के कहने पर, नेहरू के जोर देने पर जब वो संविधान सभा की ड्राफ्ट हुई तो आप देखिए उसमें राम का जिक्र है, उसमें कृष्ण का जिक्र है, उनका फोटो है, बुद्ध का फोटो है, नानक का फोटो है, अकबर का फोटो है। तो जब इस तरह की, और शिवाजी का फोटो है, भगत सिंह का उल्लेख है, तो आप बगैर संविधान को पढ़े जाने व्हाट्सएप पर कुछ भी भेज दीजिए और इस देश के लोग, बड़ा खेद होता है, मुझे अफसोस होता है कि उसको सच मान लेते हैं। संविधान का वो प्रारूप, वो मॉडल उसमें देख लें। और मेरा खुद यूट्यूब पर मैंने उस संविधान को पेश किया हुआ है, रखा है, कि जिसमें किस तरह से राम, कृष्ण, बुद्ध, गीता, रामचरितमानस सबका उल्लेख है उसमें। तो एक तो बात ये होगी, दूसरी बात जो आपने राजेश भाई दर्शकों को एक चीज और बता दें, नेहरू उसको मन से इतना किए थे कि नंदलाल बोस, बिहार रामचंद्र सिन्हा जो देश के उस समय के दुनिया के बेहतरीन आर्टिस्ट थे, उन्होंने आके ये सारा डिजाइन उसका, ये चित्र और ये सारा उनका किया हुआ है भाई। और नंदलाल बोस ने इसके लिए कोई एक पैसा नहीं लिया था जी, कोई कुछ नहीं। तो अच्छा, अब जो आप बता रहे थे अभी, इसलिए कि मैंने आपको याद होगा शुरुआत में पाकिस्तान की तुलना क्यों की थी, कि एक तरफ हमारे लोकतंत्र का एक रूप हम देख रहे हैं जहां पर हम ऐसे बैठे बात कर रहे हैं, दूसरा पाकिस्तान का स्वरूप। क्या हुआ कि जिन्ना तो अंग्रेजी हाथों में खेल रहे थे और उन्होंने मुल्क तो बना लिया, लेकिन वो पढ़े लिखे और कई मायने में बहुत कुछ गैर इस्लामी थे वो। तो जब 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की असेंबली में जिन्ना ने ये भाषण किया कि हमारा मुल्क सेक्युलर होगा, तो वहां के कठपुतलाओं को तकलीफ हो गई। जिन्ना ने कहा उस तकरीर में 11 अगस्त की, आप पढ़ लीजिए पाकिस्तान की, कि हमारे मुल्क में जितना हिंदुओं को आजादी होगी उतने ही मुसलमानों को आजादी होगी, उतने ही सिखों को आजादी होगी, उतने ही बौद्धों को आजादी होगी, ये उन्होंने कहा। तो इसके बाद उनको कायदे आजम की जगह काफिले आजम कहा जाने लगा। और देखिए जिन्ना का एक और उदाहरण मैं बताता हूं, ये इतिहास में है कि ये 11 अगस्त को असेंबली में तकरीर की, 14 अगस्त को पाकिस्तान का पहला कौमी तराना वहां की असेंबली में गाया गया, और वो कौमी तराना, ये बात 7 अगस्त की है या 8 अगस्त की है, जिन्ना और लाहौर में रहने वाले शायर जगन्नाथ आजाद की मुलाकात हुई। जिन्ना ने उनको रिक्वेस्ट की कि आप आइए चाय पर पीने, तो उनसे कहा कि आप हमारे पाकिस्तान का कौमी तराना लिख दीजिए। तो जगन्नाथ आजाद ने कहा, हुजूर क्या बात करते हैं आप, मजहब के आधार पर मुल्क बनाया आपने और मैं लिखूंगा तो मुझे तो आपके मुसलमान मेरा लिखा हुआ मंजूर करेंगे क्या? तो जिन्ना ने कहा कि देखो साहब, उस समय तक अपना जनगणमन और सब उत्सव से नहीं आया था, तो उन्होंने कहा कि देखो साहब, हिंदुस्तान का कौमी तराना एक मुस्लिम ने लिखा है, उनका आशय इकबाल के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और ये वाकई उस समय बच्चे बच्चे की जबान पर था। तो उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान का कौमी तराना इकबाल लिख सकता है, एक मुसलमान लिख सकता है जो राम को इस मुल्क का मालिक मानता है, तो आप क्यों नहीं लिख सकते? तो साहब जगन्नाथ आजाद ने वो पहला कौमी तराना लिखा और 47 से लेके 54 तक इतना मीठा कौमी तराना है वो पाकिस्तान का कौमी तराना बना रहा। 54 में जब वहां पर सैनिक सत्ता आई तब हफीज जालंधरी ने ये कौमी तराना जो है दूसरा लिखा
और उसको मंजूर किया गया। इधर क्या हुआ, जब जिन्ना ने अपनी ये सेक्युलर इमेज दिखानी शुरू की और वहां के कठमुल्लाओं ने उसको नामंजूर कर दिया, तो फिर उन पर उनकी हत्या के जानलेवा हमले हुए, हत्या के कई प्रयास हुए। बाद में जब जिन्ना बीमार पड़ गए और तो उनको इलाज प्रॉपर नहीं मिला, और जब इलाज प्रॉपर नहीं मिला, जब वो उनकी डेथ हो गई, तो जो डेथ के बाद जो कब्र में लेटाते वक्त जो एक उनकी एक धार्मिक क्रियाविधि होती है, तो वो कोई मौलवी या कोई उस तरह का जो जैसे अपने यहाँ पंडित कराते हैं, तो इसी तरह वो एक मौलवी था, उसने कहा मैं ये क्रियाविधि नहीं कराऊंगा, ये काफिर था, ये तो हिंदुओं की तरफदारी करता था ये। और एक और आखिरी उदाहरण नेहरू का के बारे में, जब ये बीमार थे, सख्त बीमार थे, तो फ्रंटियर पोस्ट नाम का एक अखबार पेशावर या कराची में से निकलता था, उसमें जिन्ना ने कोई इंटरव्यू या आलेख लिखा था, मेरे पास उसकी कॉपी है, अभी मैं देख के बताऊंगा आपको। तो उसमें उन्होंने क्या कहा था, अरे कोई मुझे नेहरू के पास ले चलो, मैं गले मिलके और उससे माफी मांगना चाहता हूं पाकिस्तान बनाने के लिए। तो नेहरू वो नेहरू था, गांधी वो गांधी था, जो हिंदुस्तान से ज्यादा उस वक्त प्रदेश में प्रतिष्ठा थी उसकी। 147 मुल्कों के लोग गांधी को यूं ही सलाम नहीं करते, यूनाइटेड नेशंस का झंडा उस दिन 30 जनवरी 1948 को यूं ही नहीं झुका दिया गया था किसी के दबाव में, कि वहां कोई बीजेपी के लोग पहुंच गए होंगे कि भाई, या कोई और लोग पहुंच गए, कुछ नहीं, स्वाभाविक स्वस्फूर्त प्रेरणा से थी। जी मैं बस चलते चलते एक अंतिम बात, इसलिए क्योंकि नेहरू का एक पक्ष बोलना जरूरी है, शायद उतना बड़ा स्वतंत्र दृष्टा रीसेंट टाइम्स में किसी भी मुल्क में अगर आप देख लीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो 9, 9.5, 10 साल जेल में रहता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने तमाम किताबें लिखी, जिसने हिंदुस्तान के इतिहास से लेके और क्या आएगा हिंदुस्तान का क्या, और एक ऐसा व्यक्ति जिसने शायद अगले 100 साल देखा उसने उस सपने को, चाहे वो स्टील के रूप में हो, चाहे रेल के रूप में हो, चाहे BHEL के रूप में हो, चाहे IIT हो, चाहे IIM हो। और एक मैं हरदम कहता हूं, क्योंकि एक पक्ष और है, नेहरू का जो क्रिएटिव पक्ष, जो एस्थेटिक पक्ष है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा उन्होंने किया, ये सारे लोग बात करते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आज से 60 साल पहले बना नेहरू के जमाने में, उसके बाद दूसरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं बन पाया इस देश में भाई। तो इस पे भी एक दो टिप्पणी करके, क्योंकि नेहरू शायद ने वो शिल्पी थे जिन्होंने जो आज भारत है उसको वहां गढ़ा था, और उनको डिमीन करने से मुझे लगता है कि आसमान में थूकने से थूक अपने ही ऊपर गिर रही है उसको। बिल्कुल जी जी, देखिए आपने ठीक बात कही, और मैं मेरी एक किताब और एक फिल्म हिंदुस्तान की कहानी इसी पर केंद्रित है, जब जिसमें ये स्पष्ट किया गया है उदाहरण के साथ, दस्तावेजों के साथ, तारीखों के साथ, कि जवाहरलाल नेहरू ने किस सन में किस तरह से इस देश के लिए क्या किया, और उसके बाद भी ये डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो कैसे तेज होती गई। पहले 5-7 पंचवर्षीय योजना बनाई तो एग्रीकल्चर के लिए बनाई, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए दाने नहीं थे, अंग्रेज हमको 41 में 10 लाख लोग बंगाल में यूं ही चावल के अकाल जो पड़ा था, एक नकली अकाल था, क्योंकि अंग्रेजों ने लंदन भेज दिया था, तो हमारे पास यहाँ खाने के दाने नहीं थे, बच्चों के लिए पीने के लिए दूध नहीं था। तो ये जो स्थिति थी, IIM, एम्स, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, आप देखिए मैं सब मैंने दस्तावेजों के साथ उसको रखा है और परोसा है, क्योंकि नेहरू स्वप्न दृष्टा जो आपने शब्द इस्तेमाल किया है वो वाकई एक बहुत बड़े शिल्पी थे। और ठीक है, आज ये कहते हैं कि वो नेहरू को, अभी आपने जो दूसरा एक जो आलोचना में उन्होंने कहा है कि बड़ा गंदा सा कमेंट था, मैं कहता हूँ कोई अपनी जी आलसी और भारतीयों को जो बताए, मैं ये कहता हूँ हाँ, कोई अपने मुल्क को आलसी कैसे बता सकता है, 80 करोड़ लोगों को आप आलसी बना रहे हैं, उनको मुफ्त खाना देकर चुनावी लाभ के लिए, और आप कहते हैं भारत के लोग आलसी, भारत के लोग मेहनत से काम करना चाहते हैं और मेहनत से पैसा कमाना चाहते हैं, उनको आप रोजगार के अवसर दीजिए, मुफ्त देकर के, अनाज देकर के आप नहीं खरीद सकते, और उनको आलसी तो आप बना रहे हैं। और दूसरी चीज, कोई अपनी बेटी को झूठ नहीं मिलेगा लिखेगा। इंदिरा गांधी को उन्होंने जो खत लिखे हैं आप वो देख लीजिए, पिता के खत, पुत्र पुत्री के नाम, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ जाइए,
जो उस दौर का सर्वोत्तम दस्तावेज है वो बताता है कि भारतीय भारत और भारत के अतीत पर जवाहरलाल नेहरू को कितना गर्व था। आज ये केदारनाथ और तमाम सारे जगहों पर अब इस तरह का कैमरा टीमें जाती हैं और लाइव दिखाया जाता है। आपको याद आता है बड़ी मुश्किल में आप खोजेंगे तब नेहरू के उपनयन संस्कार की तस्वीर मिलेगी, मुंडन किया हुआ है, जनेऊ धारण किए हुए हैं, वो नेहरू भी हैं, एक नेहरू का रूप वो है। गंगा को जो माँ की तरह पूजते थे और गंगा में स्नान करके जाते करने जाते थे वो नेहरू का एक रूप है। वो जो नेहरू वो हैं जो पूरे धार्मिक क्रिया विधानों में आस्था रखते थे, लेकिन इस देश में दूसरे धर्मों के प्रति उनके मन में कोई नफरत नहीं थी, कोई उन्मादी बदले की भावना नहीं थी। और इसलिए ये देश जहां पर हम आज हैं, इसलिए तो आज आज के नौजवान कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जाके बस जाते हैं। आप देख लीजिए कितने लोग हमारे नौजवान पिछले 10 वर्षों में बाहर जाके बस गए। जी। मैं एक चीज बस और कर दूं, इस देश में अगर हिस्ट्री पढ़ लीजिए, भाभा तो काम कर रहे थे इंग्लैंड में, कैम्ब्रिज में जाते हैं, नेहरू कैम्ब्रिज में जाते हैं, एक व्याख्यान दे रहे हैं और फिर भाभा के साथ बैठ के उनसे कहते हैं कि भाई देश में आओ, यहाँ पे तुम्हारी जरूरत है। और उनको अभी देश आजाद नहीं हुआ है लेकिन उस समय से वो ताना बाना बुन रहे हैं 1946 में, 1946 में जी, और भाभा को वापस लाते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ये यहाँ पे तो हमारे कौन है, ललित मोदी जी, नीरव मोदी जी, विजय माल्या जी, इनको यहाँ से पैसा लेके भगाने का काम कर रहे हैं। मुझे एक आदमी बता दें जिसको, किसी ऐसे व्यक्ति को जो वापस भारत लाया गया हो जिसने, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये देश का दुर्भाग्य मैं कहूंगा कि अगर आज इस देश में नेहरू और गांधी को गाली पड़ रही है तो शायद जिसको ये कहते हैं ना, शायद हम राष्ट्रद्रोह जैसा काम कर, ये उससे कम। बिल्कुल राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये ऐसा इमोशनल बात थी जिसमें हम सब लोगों को लगता है कि ये गाली हमारे और आपको, हम लोगों को इस विषय पर, ये हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। मैं इसको किसी सियासी नजरिए से नहीं देखता आनंद जी, ना ही राजनीतिक हित कोई देखता चाहता हूं। हम लोग हमेशा से, आज 48 साल की पत्रकारिता मेरी हो गई है और इन 48 वर्षों में हमने कभी कांग्रेस या बीजेपी, या जब तो बीजेपी थी भी नहीं, या समाजवादी या किसी पार्टी में बंध के काम नहीं किया। हमने वो कहा जो इस देश के भविष्य के लिए उचित है, अच्छा है, बेहतर है। और ये हमें आज संतोष है कि हम जो आज कर रहे हैं वो इस देश के आम नागरिक के लिए बहुत और बहुत आवश्यक है। नेहरू जी की जो पूरी कहानी है, अगर आप देखेंगे, आप कितना चर्चा कर लीजिएगा, आप भाभा की चर्चा कर लीजिए और उस परंपरा को इंदिरा गांधी ने जिस तरह से आगे बढ़ाया कि बोरला को लाई और उन्होंने हरित क्रांति किया, वर्गीज साहब ने दुग्ध क्रांति की, ये उस समय मोदी जी कहां होते थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी कहां होती थी। आज अमूल जो है दुनिया की शानदार दुग्ध उत्पादन केंद्रों में से एक है। वर्गीज ने जो किया उसके दम पर, पंजाब के दम पर और तमाम जिन राज्यों में प्रयोग हुआ, हम दुनिया वर्ल्ड में गेहूं उत्पादन में नंबर वन चल रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं कैसे हैं, अगर वो बुनियाद ना होती, वो नींव ना होती, तो ये जिस नींव पर खड़े हुए हैं ये उसी को वो काट रहे हैं, जिस पेड़ पर बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं। ये इस देश के पढ़े लिखे लोगों को समझना चाहिए आनंद जी, ये बहुत जरूरी, बहुत जरूरी बात है। और अंतिम बात मैं ये कह के समाप्त करूंगा कि देखिए, जैसे आपने कहा था, आप सूरज के आगे ऊपर छाता लगा देंगे तो अंधेरा नहीं हो जाएगा। एक प्रधानमंत्री अगर आज 10 साल तक नेहरू को कोसेगा, कांग्रेस के कार्यों को कोसेगा, या जिस देश में तमाम सरकारें रही हैं उनके कार्यों को आगे बढ़ा नहीं याद करेगा, तो कल के रोज ये नहीं रहेंगे, फिर क्या इनके प्रति वैसा ही व्यवहार होगा। एक बार इनको ये भी सोचना चाहिए कि तब तो इस देश में 10 वर्षों का जो नफरती और उन्मादी माहौल है वो भी याद किया जाएगा, वो मॉब लिंचिंग भी याद की जाएगी, वो जो जिस तरह से मजहबी टकराव हो रहा है वो भी याद किया जाएगा। उपलब्धियों के नाम पर खजाना शून्य। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई बात करने के लिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।